इस वीडियो में देखेंगे डिस्पोस्ट क्या होता है, डिस्पोस्ट का एक्चुअल मीनिंग है क्या। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे मीनिंग देखने को मिलेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में डिस्पोस्ट का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा। दूसरा नंबर कि डिस्पोस्ट का पेपर जो कोर्ट की तरफ से मिलता है वो कैसे आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट से। आप अपने मोबाइल से भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसका कोई फ़ी नहीं लगता है। अभी हम देखेंगे मोबाइल में कि इसको डाउनलोड, डिस्पोस्ट का पेपर जो है कैसे डाउनलोड करना है, जो कोर्ट ने आपको जजमेंट दे दिया है डिस्पोस्ट का। तो पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो में कि डिस्पोस्ट होता क्या है। देखिए, आपका कोई भी मामला अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और वो कॉपी जो है अब जो है वहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है कि डिस्पोज्ड हो गया, या आपके वकील ने बोला है कि केस डिस्पोज्ड हो गया है पूरी तरह से, तो डिस्पोज्ड का मतलब होता है कि आपका केस जो भी चल रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। समझ रहे हैं? जो भी आपका मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो है डिस्पोज्ड अगर वहाँ पर दिखा रहा है स्टेटस, इसका मतलब आपका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट की तरफ से आपको पूरी तरह से डिस्पोज्ड कर दिया गया है, आपका मामला को निपटारा कर दिया गया है। आपको कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसको, ये डिस्पोज्ड का कॉपी को कैसे डाउनलोड करना है। इसके कोई फ़ी नहीं लगता है। कोई भी वकील आपसे फ़ी मांगता है तो आप मना भी कर सकते हैं कि हम डाउनलोड कर सकते हैं, कर लेंगे। हालांकि वकील आपकी सहायता करते हैं, डिस्पोज्ड का तरीका भी वो बता भी देते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये डिस्पोज्ड कॉपी जो है कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हाई कोर्ट के साइट पर जाते हैं। अगर आपका मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बिहार के पटना हाई कोर्ट में हम साइट पर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे पटना हाई कोर्ट। आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका कोर्ट होगा या हाई कोर्ट, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के हाई कोर्ट आप लिखेंगे और वहाँ लिखने के बाद सबसे नीचे में आप जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है केस स्टेटस, नीचे में यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है केस स्टेटस। तो यहाँ जाने के बाद केस स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से साइट खुल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिविल केस में, यहाँ पर जो लिखा है इस फाइल में, सिविल केस में जो भी आपका मैटर था, सिविल केस में या क्रिमिनल केस में, तो वहाँ पर आप जाएंगे। तो हम सिविल केस में पहले देख ले रहे हैं। सिविल केस में आप जो भी आपका, अच्छा, आपको यहाँ पर कैसे क्लिक करना है, सिविल रेफरेंस नंबर, सिविल यहाँ पर जो भी चीज़ है दिया हुआ है यहाँ पर, इसके लिए आपको अपने वकील से पूछना पड़ेगा कि मेरा जो मैटर चल रहा था है ना, वो किस में है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ CWJC, सिविल राइट ज्यूरिडिक्शन केस। ज़्यादातर मामला जो सिविल कोर्ट, सिविल मैटर जो रहता है तो इसी में होता है, CWJC। आपका जो भी केस होगा, जो आपको कोर्ट की तरफ से कोई भी पेपर दिया होगा, वकील ने आप पर आपको सौंपा होगा केस नंबर, नहीं मालूम है तो आप पूछ भी सकते हैं कि हमारा केस नंबर क्या है, पूरा डिटेल्स बताइए, ठीक है ना। तो आप ये डालेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर CWJC पर जाके क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है हम रेंडम किसी का भी हम केस को चेक कर रहे हैं कि क्या स्टेटस है, किस तरह का डिस्पोज होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद जो है ईयर जो है 2022 लिख देता हूँ। उसके बाद जो है कैप्चा इसमें 0919 लिख देता हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये फुलफ़िल कर दिया है। उसके बाद जो है आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका फाइल यहाँ से खुल जाएगा। अगर ये केस नंबर सही है तो खुल जाएगा। ये किसी का भी मैंने खोल कर देखा है कि क्या बता रहा है। हालांकि मैंने इससे पहले भी खोल कर इसको चेक कर लिया था कि कोई किसी का भी कि केस डिस्पोज्ड का हमको पेपर चाहिए, जिससे आपको हम समझा सके, बता सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर में यहाँ डिस्पोज्ड बता रहा है, यहाँ पर ऑर्डर में डिस्पोज्ड बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ये मुकदमा जो भी चल रहा था, जिनका भी था, ये नालंदा
का मामला था, ठीक है ना। तो आगे नहीं देखेंगे, आगे बस देख लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट का जो केस का स्टेटस है वो डिस्पोज्ड है, ठीक है ना। 24 फरवरी 2022 को इसको डिस्पोज कर दिया गया है। तो ये डिस्पोज पेपर को डाउनलोड करने के लिए इस डिस्पोज पेपर में हाई कोर्ट में इस हाई कोर्ट ने क्या फाइनल जजमेंट दिया है, इसी डिस्पोज में क्या फाइनल जजमेंट, क्योंकि केस तो ख़त्म हो गया है, अब इसका फाइनल जजमेंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप नीचे में सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है व्यूज़ यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल खुल जाएगा, जो भी आपका कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो फाइल खुल जाएगा। यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड उसी तरह से आपको भी करना है, अगर आपका केस डिस्पोज्ड हो गया है तो सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो ये फाइल खुल जाएगा, तो ये जो है इनका मुकदमा जो है ये फाइल खुल गया है, तो ये डिस्पोज्ड का पेपर है, ये फाइनल जजमेंट है जिनका भी था ये, ठीक है ना। तो इनका ये फाइनल जजमेंट का पेपर है। आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है केस डिस्पोज्ड, यहाँ पर भी लिखा है, तो हम इनको ज़्यादा इनके मैटर को ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस ये देखेंगे कि कुछ इस तरह से फाइल जो है खुल जाएगा, ठीक है ना। और आप अपने फाइल को भी इसी तरह से प्रिंट आउट आप करा सकते हैं, इसको जाएंगे उसके बाद जो है आप सेंड फाइल टू अपने व्हाट्सएप में या फिर किसी में भी जहाँ पर आपको प्रिंट आउट कराना है तो वहाँ पर भेज कर इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसका कोई पैसा नहीं लगता है, आप अपने हाई कोर्ट का डिस्पोज्ड का कॉपी आप फ्री में ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ इसी तरह का रूल है, इसी तरह का, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उस इंटरनेट पर जाएंगे और लिखेंगे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने ज़िला का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और तो वहाँ पर स्टेटस में उसी तरह से जाना है, स्टेटस में उसके बाद जो है स्टेटस में जाकर उसी तरह से केस नंबर डालेंगे, CWJC डालेंगे, जो भी है आपका जो भी मैटर है जो भी केस का, उसके बाद जो है आपको वहाँ से आपको इसी तरह से फाइल खुल जाएगा, तो इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। दो मैटर को इस वीडियो में हमने जाना है कि इसको डाउनलोड करने कैसे करना है, डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक बार लास्ट बार मैं बता देता हूँ, डिस्पोज का मतलब केस ख़त्म, केस का निपटारा होना, ठीक है। भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना है, और कोई परेशानी हो तो अपने वकील से भी बात करना है, मशवरा लेना है कि अब क्या करना है, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।